हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। जब हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उस संख्या के जोड़े के गुणनफल को ही वर्गमूल कहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जैसे हमें 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे और उसके बाद एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। अब जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है उसे इस प्रकार लिख लेंगे। जैसे हमें 25 का वर्गमूल ज्ञात करना था, हमने 25 को लिख लिया। अब इस संख्या को ऐसे संख्या से विभाजित करेंगे कि जिससे ये पूर्ण पूर्ण विभाजित हो जाए। जैसे 25 को अगर हम 5 से विभाजित करें तो ये 5 बार में विभाजित होगा, और यदि 5 को हम 5 से विभाजित करें तो एक बार में विभाजित हो जाएगा। और हमें विभाजित तभी तक करना है जब तक कि यहाँ एक ना आ जाए। यदि एक आ गया है तो अब हम देखेंगे कि इस संख्या कितने बार विभाजित हुई है और कितने नंबर से विभाजित हुई है। तो आप देखेंगे कि 5 और 5 के दो नंबरों से विभाजित हुई है। 3 5 5 के दो नंबरों के एक जोड़े कहलाते हैं, तो इसलिए इसका वर्गमूल जो हुआ वो 5 ही होगा। यदि इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा डाउट रह गया होगा तो हमें उम्मीद है कि दूसरे क्वेश्चन से हम आपको आसानी से समझा देंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमें दिया गया कि 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन फिर एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा बोलते हैं। हम उस संख्या को लिख लेंगे, जैसे 144 को लिखना है, 144 को लिख लिए। अब उस संख्या को ऐसे संख्या से भाग देना है जिससे पूर्ण पूर्ण विभाजित हो जाए। जैसे 2 से विभाजित हो जाएगी। जब 2 से विभाजित करेंगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 4 होगा। इसका मतलब 72 बार में 144 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 और 1 बचेगा और 2 × 12 होगा। इसका मतलब 1 कटेगा 36 बार में, तो 36 हुआ। अब इसको हम फिर से 2 से भाग देंगे तो 18 बार में विभाजित हो जाएगा, तो 18 होगा। और अब हम फिर 2 से जबर भाग देंगे तो 9 बार में विभाजित होगा। अब 2 से भाग में विभाजित नहीं होगा, इसलिए अब हमको 3 से भाग देना होगा। तो जब 3 से भाग देंगे तो 3 बार में विभाजित होगा, और फिर से जब 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक हमें विभाजित करना है। तो इसीलिए अब 1 आ गया है, अब विभाजित नहीं होगा। अब इनके जोड़ों को देख लेते हैं। अगर हम देखें तो 2 के जोड़े ऊपर से देखें तो पहले 1 मिले, उसके बाद फिर 1 जोड़े मिले 2 के, अब हमें 3 के जोड़े मिल रहे हैं 1। अब इन जोड़ों को 2 के जोड़े जैसे पहले 1 हैं तो इन को लिख लेंगे, फिर 2 के जोड़े 1 मिले फिर इनको गुणा कर भी लिख लेंगे, और 3 के जोड़े फिर मिले फिर इनको लिख लिए। अब इनका जब गुणन किया तो 12 आया। इसका मतलब 144 का वर्गमूल 12 होगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।